हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेथी और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। ये सर्दियों में बहुत मस्त बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, तो इसे हम मलाई के साथ बनाएंगे। तो मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी होती है। अब मैं बनाती हूँ, फिर आप देखना प्रोसीजर और उसी तरह से फॉलो करेंगे। ये मेथी है, बारीक बारीक कटिंग कर ली है मैंने और इसे दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और बारीक कटिंग करके ये बॉल पौन बॉल के करीब है और ये पौन बॉल के करीब मटर है। और इसे बनाने के लिए ये मलाई मैंने यूज में ली है, घर की मलाई है ये, उसी को मैंने दूध के साथ क्रीमिश बना लिया है, तो क्रीमी ये क्रीम टेक्सचर है। आप भी इसी तरह से क्रीम बना लीजिए या बाजार का भी क्रीम यूज में ले सकते हैं आप, कोई भी कंपनी का। और ये है, दो बड़े बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, 8-10 काजू लिए हैं और छोटा सा अदरक का पीस लिया है आधा इंच के करीब और एक हरी मिर्च ली है। इन सबको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और उसके अलावा ये जीरा है और ये एक बड़ी इलायची है, उसे मैंने क्रश कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत मस्त आएगा। और इसके अलावा देखिए, ये नमक और ये मिर्च और ये धनिया और ये गरम मसाला और ये पिसी हुई शक्कर लिए मैंने। तो ये सब अगर आप अपने मेंबर्स ज़्यादा हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 मेंबर्स के लिए करीब बना रही हूँ, तो आप देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी। पहले मैं मेथी और मटर को गर्म पानी में डाल के 2-3 मिनट बॉईल करूंगी, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड देखिए, ये पानी बॉईल हो गया है और इस बॉईल पानी में अब मैं मटर डाल दी मैंने और ये मेथी भी डाल रही हूँ। अब डाल के दोनों और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्का सा नमक डालूंगी, बहुत कम डालना है ताकि ये इसमें सब डिजोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। और ये अभी बॉईल होगी 3-4 मिनट बॉईल करेंगे, तब तक हम कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। ये कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है और अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। ये मैं जीरा डाला मैंने और इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये हींग डाल रही हूँ, फ्लेवर अच्छा आएगा इससे। और इसके अंदर ये जो टमाटर काजू का और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, इसे इस तरह से कंटिन्यू हिलाएंगे, गैस धीरे रखेंगे। और दूसरी गैस पर हमारे मटर और मेथी बॉईल हो रहे हैं। थोड़ी सी गैस लो मीडियम कर देंगे। और इसे हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये मसाला हमारा फ्राई हो गया है, ग्रेवी जो टमाटर की और बनाई थी हमने। अब इसके अंदर हम ये मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डाल के और
धनिया पाउडर डालेंगे और ये बड़ी इलायची का पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ। क्रश करी थी बड़ी इलायची मैंने। नमक अभी नहीं डालेंगे नहीं तो ये ग्रेवी फट जाएगी। इसे भी हम एक दो मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैंने गैस धीरे कर दी है और इसके अंदर मैं ये अब क्रीम डालूंगी। तो ये क्रीम मैंने डाल दी, आप देख सकते हैं। और इसे इस तरह से कंटिन्यू हिलाना पड़ेगा। मैं नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं लास्ट में डालूंगी। और इसी के अंदर मैं ये गरम मसाला डालूंगी। वैसे मैंने बड़ी इलायची डाली थी, उसका फ्लेवर तो बहुत ही मस्त आता है। और ये शक्कर डाल रही हूँ। गैस लो मीडियम कर दी। अब ग्रेवी बॉईल हो रही है, इसे हम दो तीन मिनट तक और ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे। ये दो तीन मिनट हो गए हैं और अब हम ढक्कन अलग हटा लेते हैं। अब देखिए अच्छी तरह बॉईल हो गया हमारा सारा मिक्सचर। अब इसके अंदर हम ये जो मेथी और मटर बॉईल करे थे और इसे मैंने छान लिया है छलनी में, इसे मैं डाल दूँगी। और इसे हम इस तरह से कंटिन्यू हिलाएंगे और फिर इसे हम मिक्स होने के लिए दो तीन उबाल और देंगे और फिर से मैं ये ढक्कन ढक देती हूँ। गैस लो मीडियम कर दी है मैंने। तो ये उबाल आ गया अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो ये नमक मैं लास्ट में डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा ही डालूंगी मैं, क्योंकि शुगर भी डाली है तो उसको बैलेंस करने के लिए। तो फिर इसे गैस धीरे कर दिया मैंने और एक मिनट तक फिर मैं बॉईल करूँगी और आपको एक मिनट बाद सर्व करके दिखाऊंगी। दो मिनट तक हम इसे भाप में ऐसे ही रहने देंगे, गैस बंद कर दी। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेथी मलाई मटर की बहुत ही टेस्टी और मस्त सब्जी बनी है, आप देख सकते हैं। तो ये मेथी मलाई और मटर की सब्जी कितनी मस्त बनी है, आप किसी के भी साथ इसे खा सकते हैं। आप रोटी पराठे चावल नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही मस्त लगेगी फ्रेंड्स। और वैसे ये सर्दी की रेसिपी है और बच्चों बड़ों सभी को ही पसंद आएगी। आप भी इसी तरह से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।